आज मैं हरियाणा के बच्चों, किशोरों और महिलाओं को अनीमिया व कुपोषण मुक्त, स्वस्थ और मजबूत करने का वचन देता हूँ। पोषण पखवाड़े के दौरान मैं हर घर तक सही पोषण का संदेश पहुँचाऊँगा। सही पोषण का अर्थ पौष्टिक आहार, साफ पानी और सही प्रथाएं। मैं पोषण अभियान को एक प्रदेश व्यापी जन आंदोलन बनाऊंगा। हर घर, हर विद्यालय, हर गांव और हर शहर में सही पोषण की गूंज उठेगी। इस जन आंदोलन से मेरे प्रदेश के भाई और बहन और सब बच्चे स्वस्थ होंगे और पूरी क्षमता प्राप्त करेंगे। यह मेरी प्रतिज्ञा है। सही पोषण देश रोशन। धन्यवाद। जैसा हमको मालूम है, आज 8 मार्च विश्व भर में महिला दिवस, इस नाते से हम लोग सब कार्यक्रम में उपस्थित हुए हैं। न केवल अपने यहाँ बल्कि दुनिया भर में यह अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस आज इस उपलक्ष्य में कुछ संकल्प लिए जा रहे हैं, ये मनाया जा रहा है। हमको मालूम है कि महिला दिवस, इसको अंतर्राष्ट्रीय ख्याति आज से नहीं, इसकी शुरुआत 1908 में अमेरिका में हुई थी और 1975 में इसको वास्तव में संयुक्त राष्ट्र संघ ने भी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का एक मान्यता दी थी। क्लारा जेटकिन नाम से एक महिला, और वो एक मजदूर आंदोलन 1908 में हुआ था। 15,000 महिलाओं ने न्यूयॉर्क की सड़कों पर और इस आंदोलन को शुरू किया था। महिलाओं के अधिकार, महिलाओं की समानता, महिलाएं भी समाज में पुरुषों के समान ही अपना स्थान रखती हैं, तो इस नाते से इस कार्यक्रम की शुरुआत की गई। अपने देश में तो महिला को एक बड़ा उच्च कोटि का स्थान हमारे इतिहास में भी दिया गया है, हमारी संस्कृति में भी दिया गया है। मातृदेवो भव, इस नाते से हम कहते हैं कि यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहाँ नारी की पूजा होती है वहाँ देवता निवास करते हैं। तो इस प्रकार की मान्यता विश्वभर में भी है, अपने देश में भी है। तो हम लोग उस समय से ही इन सब चीज़ों का पालन करते आए हैं। देश में बहुत से त्यौहार, चाहे वो रक्षाबंधन का हो, तीज का त्यौहार हो, घरों में करवा चौथ पर भी महिलाएं त्यौहार करती हैं। वर्ष में बहुत ऐसे त्यौहार हैं जो महिलाएं, माताएं ये अपने ढंग से मनाती हैं। वास्तव में तो अगर कहा जाए कि हमारे देश के संस्कृति को अगर सही मायने में आगे बढ़ाने का काम, इसको जीवित रखने का काम करती है कोई, तो हमारी महिलाएं, माताएं, बहनें, बेटियां यही करती हैं। इस कार्यक्रम का एक थीम भी दिया गया है, उस थीम को कहा गया है ईच फॉर इक्वल। हम लोग जगह जगह एक साइन देखते होंगे, इस प्रकार का साइन बना करके और सब लोग करते हैं। ईच फॉर इक्वल अर्थात महिला भी पुरुषों के ही समान हर प्रकार की दृष्टि से है। महिलाओं का भाग देश में, समाज में 50% की हिस्सेदारी है। तो अब एक ऐसा समय है जिसमें कभी भी अब महिला को हम अबला नहीं समझते हैं। महिला को ये नहीं कहते कि घर की चार दीवारी में रहने के लिए ही महिला का काम है और घर में गृहिणी के रूप में ही वो काम करती रहेगी।
आज महिला समाज के अंदर बहुत क्षेत्रों में तो पुरुषों से भी आगे निकल गई हैं, और मैं इस बात के लिए सारे समाज को, महिलाओं को भी पुरुषों को भी आज के संदर्भ में एक प्रकार से बधाई भी देना चाहता हूं, शुभकामना भी देना चाहता हूं कि हम बराबरी से आगे बढ़ रहे हैं, और इस नाते से लगातार हम प्रयत्न करते रहेंगे। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर एक और नए कार्यक्रम की शुरुआत हमारी चीफ सेक्रेटरी मैडम ने जो बताया है कि पोषण पखवाड़ा, इसका हम शुभारंभ कर रहे हैं। हमको मालूम है कि बच्चों में, महिलाओं में अनीमिया जैसी ये शिकायतें बहुत हैं, और कुपोषण की शिकार महिलाओं की संख्या, बच्चों की संख्या 60% से 70% तक ऐसी मानी जाती है। इसको किस प्रकार से हम ठीक किया जाए, तो इस नाते से कुछ प्रयत्न करने की आवश्यकता है। आज 15 दिन का ये जो पखवाड़ा आज से शुरू होकर के और 22 मार्च तक ये चलेगा, और इस 22 मार्च तक के कार्यक्रमों में पूरे राज्य में सामुदायिक आधार के ऊपर जो कार्यक्रम होंगे, ग्राम पंचायतें बैठक होंगी, साइकिल रैली, पोषण रैली, अनीमिया जांच शिविर, प्रभात फेरी, महिला गोष्ठी, पोषण मेले आदि आदि सब जिला स्तर पर, खंड स्तर पर, शहरों में, बस्तियों के स्तर के ऊपर, गाँवों के स्तर पर भी ये सब कार्यक्रम किए जाएंगे, ताकि जागरूकता लाई जाए महिलाओं के अंदर भी कि हम इस कुपोषण से किस प्रकार से मुकाबला करें, कैसे हमारे खाने पीने के सिस्टम में बदलाव हो, जिनको कुछ कमी है कोई, उसको कैसे ठीक करने के लिए अगर स्वास्थ्य जांच की आवश्यकता पड़े तो स्वास्थ्य जांच भी कराई जाए, दवाई की जरूरत पड़े दवाई कराई जाए, नहीं तो खाने पीने की जो कठिनाइयां भी हैं कुछ परिवारों के अंदर, मान लो अगर कुछ कमी है तो उसको पूरा करने के लिए समाज कैसे आगे आए, सरकार क्या कार्यक्रम अडॉप्ट करे, इस नाते से इस कुपोषण से हम लोग मुकाबला करेंगे और हम लोग आगे बढ़ेंगे। आज हम लोगों ने यह भी विचार किया है कि ईच फॉर इक्वली एक थीम है, अंतर्राष्ट्रीय थीम है, अपने हरियाणा में एक नए थीम के साथ आज एक कार्यक्रम की शुरुआत करने का एक विचार हमने किया है, और वो किया है मदर्स फॉर स्पोर्ट्स एंड फिटनेस। आखिर हमारी महिला, उसकी भूमिकाएं एक पत्नी की भी है, एक बहन की है, बेटी की है, लेकिन सबसे बड़ी भूमिका अगर महिला की मैं मानता हूं तो एक माँ की है। माँ की भूमिका, ये पुरुष हो, महिला हो, छोटा हो, बड़ा हो, बच्चा हो, बूढ़ा हो, हर कोई जब अपनी माँ को स्मरण करता है, याद करता है, तो माँ के प्रति एक जो मन में एक ममता, एक लगाव, एक जिसको कहना चाहिए मन में एक प्रेम जो जागृत होता है, और माँ का जो वात्सल्य है वो जागृत होता है, तो लगता है कि माँ का जीवन के अंदर जो एक रोल है वो एक बहुत बड़ा रोल है। अगर माँ बच्चे को संभाल लेती है तो बच्चा किसी भी सीमा तक आगे बढ़ सकता है। माँ की महानता, माँ की ममता, माँ का जो बच्चे को लाड प्यार, और साथ साथ उसका शिक्षण प्रशिक्षण, ये उस बच्चे को कहीं का कहीं पहुंचा सकता है। हम लोग देखते हैं इतिहास भरा पड़ा है माओं का, कि उन माओं के अंदर अगर मानव नाम लेना चाहे तो हम लोग देखते हैं यशोदा का नाम श्री कृष्ण का लालन पोषण पूर्ण किस प्रकार से किया। अगर श्री कृष्ण श्री कृष्ण बन सके तो यशोदा के कारण से बन सके, अगर छत्रपति शिवाजी शिवाजी बन सके तो जीजाबाई के कारण से बन सके। माँ का पन्ना धाय ने भी अपना एक रोल अदा किया, तो माँ का एक बहुत बड़ा महत्व इतिहास भरा पड़ा है। माँ के बारे में हर व्यक्ति जब सोचता है और किसी अच्छे प्रसंग की याद करता है तो भावुक होना बड़ा सहज है। मैं तो स्वयं अपनी एक आज घटना याद करता हूं कि जब मैं स्कूल में पढ़ता था, तुम्हारे पिताजी पढ़ाई के ऊपर उनका कोई बहुत आग्रह नहीं था, बल्कि वो पढ़ाई के तो विरोध में थे कि बेटा 10वीं पास कर ली, आगे पढ़ाई करने की आवश्यकता नहीं है, मैं खेती कर रहा हूँ, मेरे साथ खेती करने के लिए कोई ना कोई एक मुझे बड़ा बेटा तो सहयोग करेगा, तभी खेती का काम आगे बढ़ेगा, और तुमने खेती करनी है। मैंने कहा खेती का समय अब ऐसा नहीं है, पढ़ाई तो करनी है, खेती भी करनी होगी तो पढ़ लिख के भी कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। पिताजी ने पढ़ाई के लिए मना कर दिया। मायूस में बैठा था और दिन भर इसी बात का कि कॉलेज में पढ़ाई करनी है, पिताजी ने मना कर दिया, कैसे पढ़ाई करेंगे। माँ ने चेहरा देखा
पहचाना, बेटा क्या बात है? मैंने कहा मुझे कॉलेज में जाना, पढ़ाई करनी है। क्या कठिनाई क्या है? कठिनाई ये कि पिताजी ने मना कर दिया। कहने कोई बात नहीं, माताएं आज भी वैसे तो रखती हैं, उस समय भी कहीं ना कहीं अपनी छोटी मोटी बचत में से अपने कोने में गुल्लक में कहीं ना कहीं रखती थी। और उन्हें पूछा कि कितने पैसे लगेंगे, मैंने कहा 200 रुपये एडमिशन का लगेगा। उन्होंने उस समय में सन 1970 में मुझे 200 रुपये निकाल के दिया, जा बेटा एडमिशन लेके आ। और जब एडमिशन के बाद घर पर आया तो पिताजी ने पूछा कहाँ था दिन में, मैंने कहा मैं आज कॉलेज में गया था, एडमिशन लेके आया हूँ। पैसे कहाँ से लिए? माँ ने दिए। पहले तो माँ को डांट लगी, फिर मुझे डांट लगी। अगले दिन सुबह मैंने कहा कॉलेज जाना है, कि ठीक है अब तो तू 200 रुपये लगा आया है, 200 रुपये बेकार ना जाए इसलिए तू जा। तो ये प्रसंग होते हैं कभी कभी, तो प्रसंग होता है। माँ का जीवन के अंदर अपना एक स्थान होता है। तो मैं आज यही कहूँगा कि हम आज इस संदेश को सुनाते से देना चाहते हैं कि आज हरियाणा प्रदेश की हर एक माँ अपने बच्चे को संभाले, उसको स्पोर्ट्स के मैदान में लेकर के जाए। और वैसे तो जो बच्चा शुरू में पालन पोषण उसका माँ करती है तो माँ उसको सिखाती है, चलना सिखाती है, उंगली पकड़ के सिखाती है, और फिर उसको थोड़ा दौड़ाती भी है। वो दौड़ना सीखता बच्चा, कभी गिरता भी है, गिरते के बाद उठाता भी है, उठता भी है। उसी में माँ एक पाठ सिखा देती है, जीवन जीने की कला सिखा देती है कि बेटा चलते हुए कभी गिरना भी हो, गिर भी जाए तो हिम्मत नहीं हारना, फिर खड़े हो जाना, फिर उठ जाना। बात बड़ी मामूली सी है, लेकिन माँ ने एक शिक्षण प्रशिक्षण दे दिया। और उस माँ ने जब स्पोर्ट्स के अंदर आगे बढ़ाया, दौड़ के अंदर बचपन में दौड़ जब सिखाई तो जिंदगी में दौड़ते हुए भी कभी मान लो कोई अचानक कठिनाई आ जाए तो उस दौड़ के अंदर आगे बढ़ते रहते हैं, पीछे मुड़ते नहीं हैं, दौड़ के एक लक्ष्य तय करते हैं, उस लक्ष्य को प्राप्त करने की हिम्मत हम सिखाते हैं। खेल खेल के अंदर मान लो कबड्डी का अगर शौक करा दिया तो कबड्डी हम खेलते हैं, और इस कबड्डी में एक जुझारूपन बताया जाता है। क्या हम जूझेंगे अकेला? 7 लोग 10 लोग सामने खड़े हैं, उनके बीच में घुस जाऊंगा और घुस करके और सबको गिरा के आऊंगा, मार के आऊंगा। मानो पाले को हाथ लगाने से पहले अगर ऊपर आके सब लोग गिर पड़े तो हिम्मत नहीं हारूंगा, पूरी हिम्मत के साथ अपना लक्ष्य टच करूंगा, अपनी रेखा को टच करूंगा। ये सहज स्वभाव गुण आते हैं, चाहे वो कुश्ती का खेल हो, चाहे वो हॉकी का खेल हो, चाहे वो फुटबॉल का खेल हो। निशाना फुटबॉल का क्या कि मुझे गोल करना है, ये पहुंच के जाता है। तो ऐसे खेल खेल के माध्यम से हमारी माएँ अपने बच्चों को आगे बढ़ाएं और हर प्रकार के खेल में उनको आगे लेकर के जाए, तब मैं मानूंगा कि अपने बालक को आगे बढ़ाने में उसको किस प्रकार से वो एक स्तर पर ले जाती है माँ, तो अपनी भूमिका निभाएगी। बहुत सी समस्याओं से हम लोग जूझते हुए हल कर लेंगे उस समस्याओं को। आज हमारे नौजवान कई प्रकार के रास्ते भटक रहे हैं, नशा इसके अंदर कई बार वो शिकार हो जाते हैं, कई बार उनकी कमजोरियां उनको किसी रास्ते पर, गलत रास्ते पर ले जाती हैं। पढ़ाई से अगर रास्ता भटक गए तो अनपढ़ रह करके किसी भी गलत संगत में घुस जाते हैं, तो उस नाते से रास्ता भटकने का जो काम, वो माँ जो है वो उसको रोक सकती है। बचपन में कमी कमजोरी को रोकना ये माँ का काम होता है। माँ लाड से प्यार से ममता से बालक को डराती भी है, धमकाती भी है, थप्पड़ भी मारती है कभी। तो पहला जो टीचर है, पहली जो कोच है, वो माँ है खिलाड़ी की। तुम असली रूप में कोच बन करके अपने बेटों को, अपने बच्चों को, उनको ठीक से खेल खिलाए, खेल खेल में जीवन सिखाएं। और जीवन वो सीखेगा तो बड़ा होकर के अगर अच्छा काम करेगा तो लोग कहेंगे कि अमुक का बेटा है। अपने माता पिता का नाम वो बेटा, वो बच्चा, वो लड़की लड़का वो रोशन करेंगे। तो इसलिए इन सब बातों की ओर भी हमको ध्यान देकर के आगे बढ़ना होगा। आज हरियाणा में हम लोग बहुत सी चीज़ों पर काम कर रहे हैं, उन चीज़ों पर काम करते हुए हम लोगों ने महिलाओं की रक्षा सुरक्षा के लिए भी बहुत से काम किए हैं। सुरक्षा के नाते महिलाओं की रक्षा सुरक्षा एक महत्वपूर्ण काम है, ये भी आज के दिन हमको याद करना चाहिए, क्योंकि आज सबसे बड़ी चिंता
वो है महिलाओं के प्रति जो अपराध बढ़ रहा है, उस अपराध को कैसे रोका जाए, उसके लिए सख्त नियम कानून कैसे बनाए जाए, हमने उसके लिए काम किया है। सबसे पहले हरियाणा प्रांत में 12 वर्ष की बच्ची के खिलाफ अगर कोई अपराध होता है, रेप जैसा अथवा कोई छेड़खानी जैसा, उसके खिलाफ मृत्यु दंड का कानून बनाने वाला हरियाणा पहला प्रदेश है। बाद में सारे देश ने इसको अडॉप्ट किया है। हमने महिलाओं की आत्म सुरक्षा के नाते से उनकी ट्रेनिंग ये भी शुरू कराई है। हमने ऐप बनाया है, दुर्गा ऐप, कि हर कोई अपने यहां अपने मोबाइल के अंदर एक ऐप लोड कर ले। अपलोड करने के बाद कहीं कोई संकट आ गया, उस दुर्गा ऐप के ऊपर हम अपना एक पैनिक बटन दबा देंगे तो अपने आप सूचना मिलेगी, कोई ना कोई रक्षा सुरक्षा वाला कोई व्यक्ति, पुलिस का अधिकारी, पुलिस का कर्मचारी तुरंत हमारे पास पहुंचेगा। हमने दुर्गा वाहिनी, महिलाओं की पुलिस, ये भी खड़ा किया है, अलग से उनको वाहन दिए हैं। हमने महिलाओं की भर्ती पुलिस के अंदर जो 6 या 7% होती थी 2014 में जब हमने सत्ता संभाली, आज वो संयोग से 10% तक पहुंच गई है महिलाओं की भर्ती। और हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि इस आने वाले 5 वर्ष के अंदर हम इसको 15% करेंगे, 15% महिलाओं की संख्या होनी चाहिए। महिलाओं की भी सुरक्षा होगी इसमें, पुरुषों की सुरक्षा होगी, पुरुष भी सुरक्षा, जब महिला पुलिस आती है ना तो पुरुष अपने आप सुरक्षित हो जाता है। एक मनचला नौजवान शरारत करने के बाद जब उसको पिटाई विटाई हो गई, वापस आकर के किसी मित्र को कहता है कि मेरी तौबा, आज के बाद गलत काम ऐसा नहीं करूंगा। कहले क्यों, इतने सालों से अकल नहीं आई थी, आज क्यों आ गई? कहले कि पहले तो ठीक है, थाने से कोई सिपाही आया, ये आया, वो उसने पीट दिया, 2 डंडे लगा दिए, चले गए। आज तक महिला थाने से मैं पिट के आया हूं, इसलिए अभी ये बेइज्जती सहन नहीं होगी। तो इसलिए एक सहज विषय इसलिए बता रहा हूं कि बड़े सहज प्रभाव कुछ चीजों के होते हैं। तो हमारे यहां इस प्रकार का एक जो विशेष सिस्टम शुरू हुआ है, हमने धीरे धीरे महिलाओं की सुरक्षा के लिए एक सुरक्षित वातावरण कैसे बने, इसके लिए जगह जगह पर स्ट्रीट लाइटिंग ये बढ़ानी शुरू कर दी है, क्योंकि रात के अंधेरे में भी हमारी बहनें माताएं सुरक्षित ये जा सकें, घूम सकें। और इस वर्ष में 3,90,000 लाइटों का हमारा टारगेट है कि गांव में, शहरों में, जहां अंधेरा जहां वातावरण रहता है, 3,90,000 लाइटें वहां लगाई जाएंगी। CCTV कैमराज, 2,00,000 CCTV कैमराज हरियाणा के अंदर अभी हैं, अगले 2 साल में 1,00,000 CCTV कैमरा और बढ़ाया जाएगा, ताकि इसके माध्यम से भी अपराधी के ऊपर हर जगह आंख रहे, उसके ऊपर नजर रहे किसी की। तो ये भी हम विषय आगे करने वाले हैं। हमारी बेटियां शिक्षा में आगे बढ़ें, तो शिक्षा के लिए हायर एजुकेशन का जब हमने हिसाब लगाया तो ऐसे लगभग 40 स्थान थे जो 20 किलोमीटर की दूरी के अंदर कॉलेज जहां नहीं होता था। पिछले वर्ष हमने, पिछले 5 साल की पारी में 31 स्थानों के ऊपर हमने महिला कॉलेज खोल दिए हैं। कुल 52 कॉलेज खुले, जिसमें से 31 केवल महिलाओं के खुले हैं। अब मात्र 9 स्थान ऐसे बचे हैं जहां पर महिलाओं के 20 किलोमीटर के अंदर कॉलेज खोलने शेष हैं। हम इस अगले एक ही वर्ष में उन 9 कॉलेज की भी स्थापना का काम कर देंगे, ताकि 20 किलोमीटर के अंदर अंदर एक कॉलेज महिला कॉलेज, अन्यथा जहां महिलाएं कम संख्या में होंगी तो वहां क्वाड कॉलेज, सह शिक्षा के कॉलेज भी रहें, ताकि किसी भी बहन बेटी को 10 किलोमीटर से ज़्यादा ट्रेवल न करना पड़े। 10 किलोमीटर इधर, 10 किलोमीटर इधर, उसके आगे 10 किलोमीटर उधर के कॉलेज में चली जाएंगे, ताकि 20 किलोमीटर का अंतर 2 कॉलेज के बीच में आए। और हमारी छात्राओं को सुरक्षित परिवहन व्यवस्था मिले, इसके लिए भी 131 बसें, ये हमारी महिला स्पेशल, ये शुरू की है हमने आकर के, ताकि महिला स्पेशल बसें उनके रहें। छोटे रूट के ऊपर जहां बस की उपयोगिता नहीं है, वहां छोटे वाहन, छात्रा परिवहन सुरक्षा के नाम से अलग से व्यवस्था शुरू की है, छापसू कार्यक्रम के अंतर्गत। तो इस के अंदर हर एक विद्यार्थी को उसके किलोमीटर के हिसाब से उसको पैसा दे दिया जाता है, ताकि कॉलेज का जो नोडल अधिकारी हमारा ट्रांसपोर्ट का है, या स्कूल का नोडल अधिकारी, वहां उनकी व्यवस्था करा सके हर एक रूट के ऊपर। इस प्रकार से हमने ये परिवहन सुरक्षा, सुरक्षित परिवहन की व्यवस्था ये भी हमने की है। अगर मैं पंचायतों की बात करूं तो हमारी पंचायतें पढ़ी लिखी पंचायतों तो हुई हैं, ये तो अच्छी बात है कि हरियाणा के अंदर पहला हमारा राज्य है जब हमने ये संकल्प लिया कि हमारी पंचायतें
हमारा जो लोकल लीडरशिप, ये जितना ज़्यादा अच्छा पढ़ा लिखा समझदार उतना ही नीचे तक हमारी सुविधाएं सरकार की ये पहुंच पाएंगी। बहुत संघर्ष करना पड़ा, सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़ा हमको इस काम के लिए, और हरियाणा फर्स्ट स्टेट जिसमें बताऊंगा कि जिसके अंदर दसवीं से पढ़ा लिखा, दसवीं से कम कोई भी नहीं, हमारा पंच सरपंच और पंचायत समिति के लोग हैं, जिला परिषद के लोग और नगर पालिकाओं के लोग। और उसमें अगली बड़ी बात, स्थानीय निकायों के अंदर रिजर्वेशन है महिलाओं का 33% है। अब 33% तो रिजर्वेशन है, ये तो सब जगह ही हैं, मजबूरी होके मैं चुनना ही पड़ेगा उनको 33%, इससे नीचे वो चुनाव करा नहीं सकते। लेकिन खुशी की बात यह है कि इस बार पढ़ी लिखी बहने होने के नाते से ये संख्या 33 ना होकर के 42% तक हो गई है, अपने आप आगे बढ़ गए हैं। आज इसी समय सब गांव में ग्राम सभाएं हो रही हैं, ये 11 बजे का समय उनका ग्राम सभाओं का पूरे प्रदेश में है, इसी विषय पर चर्चा कर रहे हैं जिस पर आज हम यहाँ चर्चा कर रहे हैं। शहरों में तो यहाँ एक साथ चर्चा हो रही है 22 जिला केंद्रों पर, गांव में सब जगह अपने अपने ग्राम सभाओं के अंदर यही कुपोषण को कैसे समाप्त किया जाए, पोषण पखवाड़ा कैसे मनाया जाए, अपने बच्चों को किस प्रकार से हम खेलों में आगे अग्रणी करें, स्पोर्ट्स में कैसे आगे बढ़ाएं। हमारे गाँव का युवक युवतियाँ स्पोर्ट्स में बहुत आगे हैं, लेकिन इसको और आगे हमने बढ़ाना है, तो उस नाते से वो कार्यक्रम कर रहे हैं। तो मैं ये कह रहा था कि हमारी जो बहनें पंच हैं, सरपंच हैं, पंचायत समिति जिला परिषद में जो आई हैं, वो इस प्रकार के कार्यक्रम आगे होकर के अपने आप करती हैं। अब वो समय चला गया जब महिलाओं के पति उनके प्रतिनिधि बनकर के आके राजकाज करते थे, अब उनको कह दिया कि कोई नहीं आएगा, महिला खुद पढ़ी लिखी है और वो आकर के उसको चेयरमैन उसके चेयर उसको करेगी और वही उसकी अध्यक्षता करेगी, वही कार्यक्रम को संभालेगी। एक बहुत अच्छा कार्यक्रम आगे हमने इसको चलाया है, शुरू किया है। हम लोगों ने महिलाओं के उत्थान के लिए कुछ और सुझाव भी ये दिए हैं। मैं महिला बाल कल्याण विभाग को ये सुझाव दूंगा कि एक कोई एक ऐप बनानी चाहिए और उस ऐप में मदर्स के लिए जो अपने बच्चों को घर में खिलाने के बाद आखिर फील्ड में कहाँ भेजें तो उनको उसकी जानकारी मिल जाए, तो मदर्स मदर फॉर स्पोर्ट्स एंड फिटनेस नाम से ये ऐप बनाई जानी चाहिए और उसके अंदर सब बच्चों को खेल और शारीरिक गतिविधियों की जानकारी वो मिल सके। तो विभाग में डीपी की जानकारी, पीटीआई, स्पोर्ट्स कोटा में भर्ती खिलाड़ी, उसकी मदद ऐप के माध्यम से नज़दीक जो खेल सुविधाएं, कहाँ कोचिंग सेंटर्स हैं, कहाँ किस प्रकार के सारे खेलों की हम सिस्टम में आगे बढ़ा सकते हैं, तो ऐसा अगर एक ऐप बनाएंगे उसका एक नेटवर्क बनेगा तो हर एक माँ अपने बच्चे को जहाँ पढ़ाई की वो चिंता करती है वहाँ उसके शारीरिक स्वास्थ्य की चिंता, शारीरिक बल की चिंता ये करने के लिए उसको खेल के मैदान के लिए ज़रूर भेजे। इसमें छोटी मोटी चिंता कई बार हो जाती है कि मेरा बेटा कहीं खेल के मैदान में जाएगा तो कहीं ऐसा ना हो कि उसको कहीं चोट लग जाए, कहीं कुछ और ना हो जाए। ये छोटी मोटी बातों से घबराना नहीं होता, शरीर के अंदर जितनी उसकी रेसिस्टेंस पावर हम बढ़ाएंगे बच्चे की उतना बलशाली भी बनेगा, स्वस्थ भी बनेगा, उसका मन भी मजबूत होगा। और अगर मन मजबूत होता है तो व्यक्ति कुछ भी करके आगे बढ़ने का एक साहस करता है और उसका ज्ञानवर्धन के लिए उसका मस्तिष्क ये भी इन खेलों के माध्यम से तेज होता है, तो बच्चा हर दृष्टि से शारीरिक हो, मानसिक हो, बौद्धिक हो, उस दृष्टि से खेल के माध्यम से ही वो आगे बढ़ सकता है। हमारी पुलिस तो अपराधियों को और जो ड्रग के जो सेवन करने वाले हैं उन्हीं के पीछे पड़ी रहती है, पढ़ना ही चाहिए ताकि कोई गलत काम कर रहा है उसको कैसे रोकें। लेकिन मैं कहना इससे भी अगर आगे बढ़ करके हम खेल और शिक्षा विभाग के नाते से पुलिस भी उसमें कोई सहयोग करे, हमारे समाज में हमारे परिवार के लोग, हमारी शिक्षा के लोग ये भी सब सहयोग करें, तो इन सब बातों में हरियाणा के मैदान के खेलों के मैदान में हम इन सैकड़ों खिलाड़ियों को जब आगे ला सकते हैं तो इसके लिए उनका जो जीवन अच्छा होगा, सुखी होगा और एक अच्छे समाज का निर्माण करने का काम हम ये करेंगे। आज इस महिला दिवस के ऊपर मैं आप सब लोगों का आह्वान करता हूँ कि हम लोग महिलाओं के समाज के अंदर जो भूमिका है उसको आगे बढ़ाएं, आगे बढ़ाते हुए अपने परिवारों को भी संभालें और परिवार को संभालते हुए अपने परिवार के सदस्यों को, उनको कोई भी गलत संगत अगर हो गई है, गलत कोई रास्ते पर चल पड़ा है, उसको कैसे वापस लेके आना है। और हर सदस्य की चिंता, माँ एक अपनी जो भूमिका है वो एक
टीचर के नाते, कोच के